ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम आपको पिछले कुछ दिनों की अपनी जो मेजर ब्रेक थ्रूज और अचीवमेंट्स है उसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर सकें। तो पहले मैं शुरू करूंगा, एक इंसिडेंट सामने आया था 10 दिन पहले जब हमारी टेक्निकल टीम्स को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक ग्रुप ऑफ इंटर स्टेट नार्कोटिक स्मगलर्स एक कंसाइनमेंट चिट्टे का लेके आ रहा था पंजाब से एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स रजौरी। तो हमने अपने स्पेशल नाकाज एस्टैब्लिश किए एंड टीम्स डिप्लॉय की एंड हमने उन्हें टैक्टफुली एप्रीहेंड किया बस स्टैंड एरिया से। उनके पोजीशन से हमें तकरीबन 169 ग्राम्स चिट्टा रिकवर किया गया था। उनकी आइडेंटिटी थी मोहम्मद वकार रेसिडेंट ऑफ रजौरी एंड माजिद चौधरी रेसिडेंट ऑफ रजौरी। ये दो शख्स फ्रीक्वेंट पेडलर्स हैं ड्रग्स के एंड मोस्टली इनका जो मोडस ऑपरेंडी था ये पंजाब अमृतसर से चिट्टा लाते थे एट लो रेट्स एंड उसको सप्लाई करते थे रजौरी पुंछ बेल्ट में एंड वहां पे ये हायर रेट्स पे उसको सेल करते थे। तो अमृतसर पंजाब में एक शिवा कुमार नाम के शख्स से इनका कॉन्टैक्ट हुआ था। वो शख्स इनको जेल में, इन्होंने जो वकार लड़का था उसने जेल में एक साथ टाइम स्पेंड किया था शिवा के साथ, वहां से इनकी जान पहचान बनी एंड फिर ये कंटिन्यूसली उसके साथ टच में था एंड वो वहां से अमृतसर से इसको चिट्टा सप्लाई करता था। तो ये हमारे लिए, जम्मू पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि एक इंटरस्टेट ग्रुप हमारे रेडार में था जो वो अरेस्ट हुआ एंड हम इसमें पूरी हमारी कोशिश जारी है कि जो पंजाब में भी सप्लायर बैठे हैं उनको भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। तो ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा, कल एक हमारे थाने में एक रिपोर्ट आई थी एक इंसिडेंट ऑफ एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग की। तो एक नोटोरियस गैंग इसमें इन्वॉल्व था जो फ्रीक्वेंटली सिटी एरियाज में ऐसे एक्सटॉर्शन एंड स्नैचिंग्स करते रहता था। ये ग्रुप था 4 लोगों का। तो हमें जो कंप्लेंट मिली उसमें एक शख्स ने कहा कि उसे लिफ्ट देने के प्रिटेक्स्ट पे अपनी गाड़ी में बैठाया इन 4 लोगों ने, उसे नरवाल एरिया के आसपास टोका ओका दिखाया, धमकाया एंड उससे उसका मोबाइल, पर्स, पर्सनल बिलोंगिंग सब छीन के उसको वहीं रोड पर फेंक दिया। तो इस पर, इस इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने अपनी जो भी सर्वेलेंस टीम्स थी उनको लगाया, CDR एंड टेक्निकल एनालिसिस भी एंड CCTV फुटेजेस चेक किए, जो आसपास के एरिया में जो आई विटनेस थे उनसे भी पूछा। तो एक दो लोग शख्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए एंड उनके टेक्निकल, उनके मोबाइल को सर्वेलेंस पे लगाने से हमें पता चला कि इनकी लोकेशन सनासर एरिया में कहीं आ रही है। तो रातों रात हमारी पार्टी वहां पे डिस्पैच हुई सनासर में। हमें रात भर लगा इन्हें ट्रेस करने में, ट्रैक करने में एंड फाइनली जब हम इन्हें सुबह अरेस्ट कर पाए, हम इन्हें 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया जो इस गैंग में इन्वॉल्व थे। एक शख्स उसमें से अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया जंगल एरियाज में, उसके लिए हमारी अभी टीम्स उसको ट्रैक कर रही हैं, जल्दी वो अरेस्ट होगा। बट जो 3 मेन लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया प्रॉम्प्टली विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस। तो इसके अलावा एक और इंसिडेंट सामने आया था कुछ दिनों पहले जहां पे एक ATM स्वैपिंग एंड फ्रॉड का केस सामने आया था। एक बुजुर्ग इंसान थे रजौरी एरिया के जिन्हें इतना ATM चलाना नहीं आता था, उनके मासूमियत का फायदा उठाकर एक शख्स वहां ATM के पास उसने ऑफर की कि मैं आपके लिए निकाल देता हूं कैश। उन्होंने भोलेपन में उसे कार्ड दिया अपना एंड उसने चालाकी से वहां पर कार्ड अपना उनके कार्ड के साथ स्वैप कर दिया, एक फर्जी कार्ड उन्हें दे दिया एंड उनका असली कार्ड अपने पास रख लिया और फिर उसने उनके अकाउंट से तकरीबन 20,000 रुपए विड्रॉ किए विद द हेल्प ऑफ एक और इसमें शख्स इन्वॉल्व था नॉन लोकल जो कि एक पेट्रोल पंप में पास ही बस स्टैंड एरिया में काम करता था। उन दोनों को भी प्रॉम्प्टली हमने CCTV ATMs का चेक करके एंड टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से उन दोनों को प्रॉम्प्टली अरेस्ट किया। जो UP वाला क्यूज था वो भी फरार था, उसे भी हमने टीम्स भेजकर बड़े जल्दी अरेस्ट किया।